এই আনি খাইডা হইলে জুতা কাটডু। হ্যাঁ বাপু শোন দে আজ। আজি হ্যাঁ শো কই না ছিকতা তু কে গরে আছ পুত্র? আমি মেরি নিন না খুলি আমার রাত দের তক জাগা হুম। শোন দে। দের তক জাগিয়া? মে জাগা মত যে দের তক। খাইডা হইয়া ভাই সব। খাইডা ও। কাম দে বাপ। ছ নেই। কাম কা শোন মে দেতা। শোন দে। শোন কে কাম কর রিয়া তু? टंड बजा का वे रोजाना तब रात के करे। अरे मैं कुछ बिजनेस के बारे में सोच रहा था, टाइम लग गया नहीं निराई मुझे। तू पहले खड़ी होइए। बिजनेस बता रहा रोज लट बजा का बार निकल तू करता। चलिए बापू बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, मान जा तू, कदर कर ले मेरी। चलिए कदर कर ले इसकी। जी बड़ा बन जाएगा जी, आप आ जाइए। मका ध्यान रख लिया तू? मेरा सब ध्यान है। जाइए जाइए। मैं कभी कदम नहीं धरने का घर में, तू मेरे पाप करेगा, पर जब नहीं आने का मैं बड़ा आदमी बनूंगा। देख लेंगे जी, हम तो जगह ढूंढ के लिया तेरा घर में। हां चल निकल जा। दिमाग खराब कर रखा, बर्तन धरता कुछ राइडर के नाम का रह सब दिन। जा ये रोटी भी फूंक दी। और भाई हनी कैसे बैठा है? अरे बैठा के बापू ने घर तक काट दिया आज। मैं निकल गई बदमाशी। तेरा बापू तेरी बदमाशी नहीं निकालता, और कोई निकालता। अरे यार मेरा वैसे दिमाग खराब है, तो अपना काम कर ले जा, अपने घर को चला जा। अब भी बदमाशी रहेगी तेरी, मेरे हाथ नहीं फंसा तू, नहीं तो तुझे ऐसा मारता ना। बदमाश ना है साइड का घेर दूंगा साले, एक तो वैसी बोल खराब मेरा, अपने घर को चला जा। निकालूंगा तेरी बदमाशी, सोला चला जा बताओ। अभी दिमाग खराब कर रहा साला, साला फाड़ के फेंक दूंगा एक भाई। ओहो आजो खान साहब, आजो 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 खान। राम राम। राम राम जी। अरे क्या बात है, कपड़े लत्ते भी नहीं पड़े भाई। भाई ये बड़े मानस के लत्ते गुलामा किसी को बटले कर देगा, आओ बैठो। मतलब? अरे मतलब के वो भगा दिया सुसरा में। क्या बात होगी? बात के ढंग ना चल रहा, भगा दिया। देख वो खान साहब, मैं तो सारा भगा दिया। नो कह रहा बड़ा मानस बनूंगा, बड़ा मानस बनने के ढंग है नहीं उसके, रोज राइड रखा है, उठता है नहीं, मैं तो काट दूंगा सर के अंदर। और सुनाओ। बस बढ़िया, बस तुम बताओ। बहुत दिन से मन कर रहा था मिलन को। वह बिल्कुल बढ़िया कर रहा, परमात्मा की दया था, सब राजी खुशी। वो वादा भी याद है भाई? एक बार ध्यान से दुआ भूल गए? चल बता, मेरे कुछ ध्यान तो उतर गया। वो वादा जो था, अब जब हमारे बालक जवान हो जाएंगे, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। हाँ वही तो थी बात है यार। देख भाई सूरत सिंह, लड़की होगी मेरी जवान, तेरा लड़का कहाँ है? देख भाई खान साहब, मैं तो सारा भगा दिया। नो कह रहा बड़ा मानस बनूंगा, बड़ा मानस बनने के ढंग है नहीं उसके, रोज राइड रखा है, उठता है नहीं, मैं तो काट दूंगा सर के अंदर। देख भाई सूरत सिंह, मेरा रिटायरमेंट हो गया और मुझे करनी लड़की की शादी, लड़की होगी जवान, और हमारी तेरी एक बात तय हुई थी, हम उस बात पे आज भी अपनी जगह कायम है, तो तू देख ले। अरे हूँ तो वो ठीक है, सुसरा लाड से मैं बिगड़ रहा, आ जाएगा शांत सुन लो ना, जम्मा ढूंढ बाढ़ के कहीं। चल कोई बात नहीं, और तू बेफिक्र हो, रिश्तेदारी बनेगी तेरी मेरी। ठीक है सूरत सिंह, मैं चलूँ? मगर चाय बना दिए ना। बस मेहरबानी, चलो और सर ढूंढ ले आज, ठीक है? देखूंगा भाई कहाँ मिलेगा। ठीक है, राम राम भाई। राम राम भाई। इन बड़े मानसों को भी तो नहीं पता है मिले कहाँ है। पहले तो ये गेर रखे ना मारू मत। अरे मैं सारे गांव में ढूंढिया तो यार यहाँ बैठा। अरे बैठा के यार, बापू ने तो घर तक काट दिया। यार मैं काम के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे खूब बड़ा आदमी बनना। बड़ा आदमी? हाँ। दिमाग लगा यहाँ बैठ, अनु बता करें कहीं काम? तो मैं बता दूंगा। बता। गुड़ का काम बढ़िया चल रहा, गुड़ बेचेंगे। अरे हाँ गुड़ का काम यूवी का काम है। अरे हमें बड़ा आदमी बनना यार, कुछ और सोच लो। और ही तो सोच रहा हूँ, तू सोच कुछ। बदमाशी करे लगे? अरे तेरे ससरे ऐसा मार वहां रह। बदमाशी तो हम छोड़ना ही चाह रहे हैं यार, बदमाशी हमारे बापू ने काट दी तलकी मारी। अब तो कुछ और सोचना आया दिमाग। बोलो बेटे सुन, हम खोल लेंगे
डोंडिया पटाने का स्कूल आस पास में एरिया में नहीं है, खूब चलेगा, बतेरे लौंडे रंड में घूम रहे हैं, हम शादी करवाओगे। ठीक है, चल ठीक है। अब ठीक है, पढ़ने वाला पढ़ लेगा आराम से। गुरुजी कोई आवेगा भी ना, मुझे तो लगे सिस्टम फेल होगा दिखे। साले जब भी बोलेगा उड़ा ही बोलेगा है, हमारा सिस्टम चलेगा, लोग फीस भी देंगे और डोनेशन भी देंगे। अभी रुक जा भी। आओ जी आओ जी आओ जी, कैसा आना भैया? मुझे पता लगा यहाँ लड़की पटाने का स्कूल खुला है। हाँ हाँ, यहाँ तो यार इतनी उम्र होगी सिर्फ बाल नहीं रहे, एक बुढ़िया नहीं पटी आज तक। अब क्या करेगा तू तो लड़की पटा के, उम्र है तेरी। ले भाई साहब भी तो वैसे ही कह रहा, काला नौकर है। मास्टर तू है कि मैं हूँ? आप चिंता ना करो, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, आप एडमिशन लो, बैठो। अरे भाई ये तो बताओ फीस कितनी है? देखो भाई साहब हमारी तो सस्ती फीस है, नया नया काम है, बस फीस तो 500 रुपये और 6 महीने का कोर्स है, पर हम आपका लाइफ टाइम कार्ड बना देंगे। भाई जी मेरा तो लाइफ टाइम ही बना दो। ठीक है, गुल्लू फार्म भर, भाई साहब नाम बताओ। लिखो बीरू भाई टकला, बंतला रोड लोनी। बहुत बढ़िया, बीरू भाई टकला। अरे भाई एक बात तो बताओ, ये पहले नंबर पर डाउट है मुझे। भाई साहब क्या डाउट है? घोरेंगे कैसे? देखो भाई साहब वेरी सिंपल, पहले तुम देखो और फिर मैं देखो। सिंपल है। प्रधान जी राम राम। राम जी राम राम। प्रधान जी मैंने स्कूल खोल लिया। कहेगा प्रधान जी मर्दों की जितनी भी बीमारी है सबका ही खोल लिया। तो जितने कहेगा उतने भेज दूंगा। कोई आदमी हो तो भेज दो, क्या हो तो आप भी चलो। खूब भेज दो आदमी, हमारा 6 महीने कोर्स है, सब समस्याएं खत्म। ठीक है स्कूल भरवा दो तेरा। हाँ प्रधान जी राम राम। प्रधान जी राम राम। ठीक है ठीक। बेटे हनी अब बन गया तू बड़ा आदमी, स्कूल चलेगा टॉप का। यस आइए जी। क्या बात? फार्म भरना जी। इस चीज का? लड़की पटाने का। बस साले भुंडी से कल के तुझे भी लुभाई चाहिए। ये बात हम तो मास्टर हैं, मैं तो फीस चाहिए। बोलू भर फार्म। हाँ जी गारंटी तो पूरी है। अजी 100% गारंटी, नहीं तो फीस वापस। हो जाऊंगा मैं कामयाब? हाँ कामयाब तो हुए पड़े। अरे भाई कामयाबी तो तेरे चेहरे पे दिख रही, नूट टपक रहा तेरे पे, कामयाब होगा। साला फीस तो बस हाथ से ले रहा, इसे भी सेटिंग चाहिए। हो जाएगा भर फार्म। अभी नाम क्या है? नाम है जी प्रेमपाल। प्रेमपाल, लिखो प्रेमपाल। ठीक है भाई पीछे जाके बैठ जाओ, सबसे पीछे। ठीक है चलो भाई। तो भाई ऐसा है, इस पे लिखा सबसे पहले घूरो, लड़की अगर किसी पड़ोस में आ रही है, कहीं रिश्तेदार है, तो अब आप उसे लगातार 6 दिन देखो। 6 दिन मतलब 1 हफ्ता देखो, तो नहीं देखेगी आप, लेकिन कुछ दिन आप फिर गायब हो जाओ। फैक्ट्री बात बता रहा हूँ ये, कि फिर कुछ दिन गायब हो जाओ तो लड़की एक बार जरूर देखेगी कि यार ये मुझे रोज देखता था, आज मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, आपकी तरफ देखेगी। समझ लो मामला सेट हो गया। गुरुजी राम राम। गुरुजी राम राम। बे साले तू तो वही है ना तू? जी गुरुजी मैं तो हूँ वही, लेकिन गुरुजी मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े बन जाओगे, मैं तो आपके कोचिंग में एडमिशन लेने आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत नियत और इज्जत का काम होता है, अगर आपकी बात ने गड़बड़ करी तो यही मारूंगा फिर। जी गुरुजी किसी तरह अपने चरणों में ले लो, मैं सुधर गया गुरुजी। चलो ठीक है। गुल्लू फार्म भर। चल नाम बता। जी गुरुजी मेरा नाम है मट्टन। मट्टन
बच्चे की बात रह गई कभी है। हाँ फर्म भरो फर्म भरो। ठीक है मच्छल भाई जी बैठो। गुरुजी यहाँ बैठो यहाँ वहां बैठो। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया जी। भैया मैं एक स्कूल खोल रहा हूँ यहाँ। अच्छा जी। कोई बच्चा वच्चा हो तो भेज दियो जी। बच्चे तो मेरा छोटे है जी अभी। छोटा नहीं चाहिए। अच्छा कोई बड़ा हो तो जी कोई आवगा तो बता दूंगा मैं। ठीक है भैया जो थारी दुकान पे आवे ना तुम बता दियो। नया स्कूल खुला फटक के धोरे। अच्छा क्या नाम है जी स्कूल का? हनी ट्रैप स्कूल। ठीक है जी। कोई आवगा तो भेज दूंगा जी। कोई भी आओ बता देना भैया। ठीक है जी जाऊंगा। ठीक है राम राम जी। राम राम। हाँ भाई एडमिशन करवाना जी मुझे। हो जाएगा? फीस का तो पता है? हाँ जी। तो ठीक है लिखो भी नाम। नाम बताओ। नाम है जी मेरा गनुआ। गनुआ? ये तो सकल से लग रहा है सर। पर मैं क्या लड़ने दे रहा गुल्लू भर भर। ठीक है भाई वह बैठो पिछले वाली सीट पे जाओ। भाई गुल्लू काम चल रहा है अपना दिक्कत कुछ नहीं। हाँ चलो तो भाइयों सबक थोड़ा सा हम सिखा रहे हैं। नमस्कार नमस्कार आइए। गुरु जी फार्म सा भरना। हाँ भरो। हाँ जी कुछ सेटिंग नहीं बैठ रही थी उम्र होली। सेटिंग नहीं बैठ रही? हाँ जी। तो सेटिंग तो बैठ जाएगी हम काहे के लिए यहाँ। हम तो बैठे ही सेटिंग के लिए। तो भरो जी मारा फार्म। भर भाई क्या नाम भैया? नाम घोड़ा है जी। घोड़ा लिखो। गुरु जी नाम कैसे? अरे तू धार लिए क्या जैसे भैया लिख दे तू घोड़ा। ठीक है गुरु जी। हाँ जी बैठो। हाँ यही चलो मैं बोलो। गुरुजी राम राम। राम 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 कैसे आए हो? मेरा एडमिशन कर लो जी। नाम बताओ भाई। गुरुजी मेरा नाम है अर्जुन। हाँ अर्जुन 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 लिखो। हाँ हाँ जी बैठिए बैठिए यहाँ जी। तेरी माँ की सुहु सु, 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 गुरुजी गाली दे रहा। भाई गाली दे रहा स्कूल आई। देखे दोस्तों आज पढ़ाऊंगे हम तुम्हें जनरल नॉलेज। ये क्या है? देखा है अबे तुझे इस बात का पता हो जाता तो तू ही मास्टर ना बनता। तेरा ससुरा बैठे रहे वीर बननी से सकल का बाल रखे माथे पे। तो दोस्तों जनरल नॉलेज का मतलब ये है दिमाग की थिंकिंग दिमाग चलाना उसमें आईडी भरना। तो ऐसा होता है अगर गांव में कोई घसियारी पटानी हो तो उसे अपनी ज्वार कटवा दो बरसम कटवा दो नहीं तो और भी कुछ ना तो ई कटवा दो अपना काम बनता ऐसे में जाओ जनता। ठीक है अरे ओ रामपाल के इस बात को सुन ले तेरे काम आऊंगी। फीस दे रहा तू हमें कुछ तो कामयाब बिठा ले कुछ तो हमारा नाम रोशन कर ले। तो ऐसा है एक दिन की बात मेरा बाप मुझे खेत में ले गया। मुझे पता है चीज का कि घसारी कैसे पटे। अब मेरी सुन ले मेरी आंखों देखी बात मेरा बाप एक दिन मुझे खेत में ले गया। मैं छोटा सा था जब भैया मेरे बापू ने घसारी को जुआर कटवा दी और मुझे 1 रुपए का सिक्का दे गए नुकल्ला बेटा चीज खाया। मैं अपना बहुत तेज था मैं पहले से ही साथी रहूं तो भाई मैं गया कोना मैं देखूंगा बापू माँ के रहे हूँ तो मैं नहीं छुपगा और बापू से लेकर जुआ रहा बढ़गा। भाई उनकी बातचीत हुई हंसने की आवाज भी आ रही तो इतने में उनके घर के आ गए घसारी के और जब मेरे बापू को भगा भगा के मारा पूरी जुआर में ऐसा भगाया भाई बहुत तोड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है लौंडिया पटाने में रिस्क होता है पिटाई का सबसे ज्यादा पिटाई से बचो बस। ठीक है भाई आज एक बात मैं आपसे करनी चाह रहा हूं कि इतने दिन हो लिए अभी 5 महीने हो लिए हैं आपको तो कौन कौन सा आदमी है जिन्होंने पूरे पूरा काम सीख लिया? गुरुजी मैं। आपने? ठीक है पूरा काम सीख लिया परफेक्ट गुरुजी। तो ठीक है मुझे रिजल्ट चाहिए इसका जिस दिन मैं कहूंगा उस दिन आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। ठीक है सर। हाँ भाई जगपाल के
तुझे भी तेरी दिन हो लिए तने के सिक्का आज तक उन्ने गुरुजी बहुत कुछ सीख लिया पूरा काम आ गया हाँ जी अरे तेरा बाप तो नेपाल लन लाया हैं मुझे खूब याद है और उस पर तो पटीना आज तक और तू पटा लेगा तेरा ससुरा हाँ जी मेरे पर तो आगा ऐसे थोड़े ना हो अभी और काम रह रहा हमारा उसे सिखाऊंगा जब बताइए हाँ भाई बीरो टकले तेरे पे क्या आज तक तू तो भतेरे तेल लगा रहा खोपड़ी के भाई छह महीने से पाठे पढ़ा रहा मेरे दिमाग में ना रहा कुछ भी मैं ओलिया सुन अरे बीरू एक काम कर ले दिमाग को से खोल ले भाई तुझे इतने दिन हो लिए तेरे समझ में आई अब जो हम बता रहे हैं आगे इम्पोर्टेंट बात तो अब बताओगे ना इसे दिमाग खोल के सुन ले कुछ भर जाएगा तेरे दिमाग में गुरु जी कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ पर दिमाग काम नहीं कर रहा बहुत तेल इस खोपड़ी को पिला लिया कोई बात नहीं तेरा तो लाइफ टाइम कार्ड है लगे रहे ठीक है आज हम तुम्हें वो पार्ट बताओगे जो हमने आज तक नहीं बताया ये अब हम जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो एकदम उच्च लेवल की पढ़ाई है इसमें मामले में यो तो हमें समझ में आ गई पर इस काम में तो रिस्क बहुत है इसका कुछ इलाज भी है देखिए मैं जानता हूँ इसमें पिटने का रिस्क बहुत है अगर आप लोग किसी की लड़की को छेड़ोगे तो बर्दाश्त नहीं करेगा इसलिए इसमें पिटने का बहुत ज्यादा चांस होता है और सबसे ज्यादा चांस होता है इसमें चप्पल बजने का मुंह को नीचे कर ले और चुपचाप पिटते रहे ज्यादा मामला बिगड़ने पे पैर पकड़ माफी मांगे और बहन जी कह दे तो इसमें ज्यादा चांस बचने के हो जाते हैं देखो ज्यादा मामला बिगड़ जाए और कोई पुलिस केस हो जाए तो सीधे 50,000 दरवा के दो तो पाक साक बच सकता है गुरु जी पिटने के तो कोई टेंशन ना पर 50,000 का इंतजाम ना हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता फिर तो पिटता ही गुरु जी अगर चोट पेट ज्यादा लग जा उसका भी कोई इलाज है हाँ है इलाज देखिए ये खास जड़ी बूटी से बनाया गया तेल है आँख का नाक का कान आगे का पीछे का सब सारे दर्द को ये खींच लेती है हमारे एक वैद्य ने बना रखा है और इसका नाम है रोहित कुमार वैद्य तो ये स्पेशल जड़ी बूटी का तेल है ये बहुत कम दुकान में मिलता है बिल्कुल खास किस्म का हमने बनवा रखा जिस भाई को चाहिएगा हम दे देंगे भाई सूरत सिंह नमाज पढ़ के जा रहा था मैंने सोचा चलो पता ले लूँ उसका भाई का लगा कुछ पता लड़के का भाई बड़े मानसू का कुछ पता नहीं पड़ता मैं कद कहाँ चले जा मैं तो उड़ती उड़ती सी खबर नू सुनी अब कहीं वहाँ रेलवे स्टेशन पे कोचिंग खोल रहा कही है एक जाता भाग्या से वो कह था तो बढ़िया बात है बढ़िया घटिया का तो पता नहीं मिलेगा जी भी पता चलेगा भाई मैं भी नू सोच रहा कि मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँ बखान साहब थारी बात बहुत बढ़िया सिर मत है पर वो कहीं लग जा तू जी भी तो करूँ इस काम को मगर जब स्कूल खोल रहा तो मिल ही जाएगा बस सुने तो नहीं है कि स्कूल खोल रहा देखो भाई कुकर मिलेगा देखो लड़का होनहार है पढ़ा लिखा है उसके सपने भी बड़े हैं हाँ बड़े तो घने कह के भी नहीं जा रहा बड़ा बहनी का अम्मा पता नहीं कैसा बड़ा बहनी क्या होगा भाई कुकर सब ऊपर वाला ठीक करेगा हाँ ऊपर वाला ठीक तो करेगा ठीक है तो मैं चलू हाँ अच्छा जी राम 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 जी और बस तुम्हें मिले कहीं मिले के मैं तो छोटा सा ही देखा था कहती मैं तो उसकी शिकल भी ना पिछने मेरे पे तो ना देखती पिछाड़ दोगे ना तो तुम उसकी शिकल तो किसी की नहीं मिलती अब चलो खैर कहीं मुझे मिल गया तो मैं देखता हूँ हाँ बस लंबा ठीक है तो अच्छा राम 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 गुरुजी स्टूडेंट आ गए कहाँ हो हाँ हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ डार्लिंग नहीं नहीं अरे क्या बात कर दी तू तो अपनी जान है आज सेटिंग का फोन है हाँ हाँ ठीक है ठीक है चलो एक काम करते हैं शाम को अपना कुछ खा पी आते हैं फिल्म देख के आओगे ठीक है ना अपना वो सिस्टम है समझ ना बात तो ठीक है डार्लिंग लव यू बाय सेटिंग का फोन था मेरी तो हम पढ़ाएंगे आज पाठ एक बेहतरीन वाला फार्मूला तो देखिए अगर किसी की लड़की पटानी हो तो पहले उसकी माँ को पटा लो ठीक है बाप तो लुभाव में पट जाएगा अगर किसी की बहू पटानी हो तो उसके आदमी को पटा लो ठीक है बहू पटी पटाई दूसरी बात अगर किसी की नई बीरबनी पटानी हो नई नवेली तो उसके बच्चे को पटा लो बच्चा पट गया
तो बेटे माँ पट गई, और माँ पट गई तो बच्चे का बाप अपने आप ही पट जाता है। ये एटिपिकल बात, ठीक है? तो क्या समझ में आया? ओ नथू के इंगक देख ले, हम बावले तो ठीक है भाई, ये बहुत जरूरी बातें होती हैं। बच्चा ना हो तो, बच्चा ना हो तो तुझे पता है, मैं पता, बच्चा ना हो तो उसके आदमी को पटाओ। आदि पट गया, भाभी जी पट जा ली है, समझ रहे ना बात को? बावड़े तुझे पता है नहीं, ये है एंटीबिक्टल बात। वीरू टकले, तेरी समझ में कुछ आया? तो अब की बार नंबर तेरा एक्सपेरिमेंट का, जाओ और लड़की पटा के दिखाओ। चलो फिर ले सिर्फ बात। तो ऐसा है, मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा, आप इतने कुछ पढ़ो और मैं आया थोड़ी देर बाद आ रहा हूं। ठीक है। कहां जाओगे मैडम? नंबर तो ले लो मेरा। मैं नंबर वगैरह नहीं लेती हूँ। बेटे बन गया काम, रोक तो ली, इसका मतलब एक्सपर्ट आदमी है गंजा। बताओ ना किसके यहाँ जाना है? मुझे धर्मपाल के यहाँ जाना है। ताओ ना। ठीक है चलो चलते हैं। आज मैं बताती हूँ तुझे, बदतमीज पहले खड़ा है। इसको तो धनिया ही बोल दिया। बोल ले ले धर, मेरा सारा सीख लिया, सारा सीख लिया। मुंह तुम सीखा था नहीं। उस तेरी भाई जूता भाई रात पड़ा। रुको तो सही मैडम, सम थमा सो। रुको तो सही, मेरी ट्रेनिंग चल रही है। यू तेरी ट्रेनिंग मैं चलाऊंगी। पहले क्लास में तो ध्यान देता है दोस्तों, छुटा उनके से। अगर छुटा दिया तो मामला खराब हो जाएगा, भाग के भाग। अरे भाई काम खराब होगा, सारा टकला नहीं करा, मैं सारी सीख गया। वो तो उसके तो खोपड़ी पे चप्पल बाजी। चलो यार आने वाला होना होगा। आ जा भैया, आ जा, आओ भैया आओ आओ। अरे मेरे ससुरे, तू तो नहीं करा, मैं सारी बात सीख गया। क्या गुरुजी, नाश ही हो गया, कांट सुझा के घेर दी, बहुत पेल दिया। हाँ भाई मुन्ने भी देखा, तुझे दीवाल में देखे घसूट घसूट के मार रहे थे। है? तुझे ना पता जब मैं कह रहा दीप बात रहेगी, तू तो नहीं पूरा सीख गया, मैं ले ले धार। हाँ भाई तेने क्या सिक्का पूरा, चल तो जा पटा क्या, मैं भी देखूं कि पता यू परफेक्ट चिल्ला पावे। ऐसा है, मैं इसे भी देखे हूँ एक बार। काम करो तुम, जो याद नहीं है थारे याद कर लो, मैं भी आया। भाई सारे फार्मूले फेल हो गए, दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं तो अपनी फीस वापस ले लूँ। फीस तो हमें वापस लेनी पड़ेगी देखे। अरे पहले पूरा काम तो सीख लो, ऐसे लोगे फीस वापस। तेरी क्यों गाली दे रहा, बेर बेर गाली दे। आखिरी बार समझा रहा है बेटा, गाली ना दे दिए। तो गली में बड़े पटाखे घूम रहे हैं, क्या चक्कर है?
अरे आजकल तो बड़ा गलियों के चक्कर काट रही है, क्या चक्कर है? हैं? आजकल तो बड़ा रोल दिखा रही है। क्यों, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? रोड पर खड़े होकर लड़कियों को छेड़ रहा है, यही काम है क्या तेरे पास? हाँ भाई कर तो रहा बात घोड़ा। तेरी बहन उसका तो तैयार दिया दिखे धूल, घोड़ा फेल होगा। न्यू कह मैं घोड़ा हूँ, घोड़ा हूँ। चले कहाँ का घोड़ा आ तू? वहाँ न्यू कह रहा मैं जानू लोंडिया पटाना जानू ले ले धर तेरी सुसरी का। इतना कितने हैं कितने चले गए, सब बेइज्जती कर रखी है। पीट साले एक जीत ऐसा करा छूटा हूँ, पर छूटा हूँ क्यों, मेरे ही ना बाजेगा फिर। चलो साले मर दे। अब यार मेरी सुसरी का यूं फेल पाया, साले के इतने बाजे। ससुर आ जा, जब तो नू कह रहा मैं काम जानू बैठ जाए, काम सीख लिया साले ऐसे बने, ऐसे हो ऐसे बने लोडिया, पता सता कुछ है नहीं, मैं पटा लूंगा ले ले घर। ससुर अरे ना बसी कुछ भी। देखो भाइयों आज हम बताएंगे बेहतरीन नुक्से जिससे आप मजनू महसूस करने लगेंगे। पहली बात, लड़की पटाने के लिए सब दो चीजें याद रखनी चाहिए। एक तो जूते ब्रांडेड होने चाहिए बढ़िया वाले, एक कपड़े अच्छे होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है महंगे ही हो, वे लाल के लिए से आपको 100 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है? वो जरूरी चाहिए। बात करने से पहले 2-4 बार उसके आगे पीछे चक्कर काटो, ठीक है? तो ये बेहतरीन नुस्खे हैं, समझ में आ गई ना? कपड़े अच्छे जूते अच्छे। गुरुजी हमें जल्दी जल्दी बताओ कि करना है क्या, मुझे लड़की पटाने की बहुत जल्दी है। जल्दी है? हाँ। तो साले नथु के तेरे पर सब आगा? हाँ सब आगा मेरे पे। तो एक काम कर, बताओ जा और हमें पटा के दिखा। एक अभी जा रहा हूँ और अभी पटा के दिखाता हूँ, ठीक है? बहुत बढ़िया स्टूडेंट है तो यार, क्या पता काम कर भी दे। थोड़ा चला तो मेरा, ये देख के आना पड़ेगा। भाई मैं 5 मिनट मार रहा हूँ, तब इतने काम करो है। ओके गुरु जी। जानेमान यू एक्सपर्ट निकलेगा, इसका मतलब बात कर रहा फिट। क्या हाल है? लड़की छड़ेगा जरा तो पसा उल्टा पड़ गया दिखे, अरे मेरी सुसरी के दो दो को छेड़ रहा था के हैं, एक कोई छोड़ लेता। बहुत बुरी तरह मारा भाई, निकट बेटे हाँ भाई कह रहे या? या क्या हुआ? तो भाई मसला यू है, अब किसकी तमन्ना जाने की, अब कौन सा पटाऊगा? क्यों गुरु जी? हाँ एक काम करो जी। बाप क्या ये भी क्या, तम जाओ जी। मैं? हाँ जी। हाँ तो क्या बात है, बाहर तो खानदानी काम है, हमने तो बहुत लोंडिया पटाई है, मेरे बाप ने पटाई है। हाँ मेरी माँ को मेरा बाप पटाई के लिए आता, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, पर हम तो गुरु है ना, चेले काम करते हैं ये। एक काम कर। हाँ जी। इन्हें तो 6 महीने हुई है अभी। हाँ तुझे कितने दिन हो गए मेरे साथ रहते रहते? तो काफी दिन हो गए जी। हो गए ना? हाँ जी। तो बेटे तू एक्सपेरिमेंट कर। मैं जी चल। शाबाश गुरु जी, आशीर्वाद दो। जाओ विजय रहो, चलिए। गुरुजी एक बात बतानी भूल गया जी मैं। बता बता। ओए तुम सारे गधे हो। सारे गधे, किसी ने कुछ नहीं सीखा। मैं हूँ गुरुजी का असली चिल्ला। असली चिल्ला मैं ला अभी 2 मिनट में लोंडिया पटा के गुरुजी का नाम रोशन करूंगा। बहुत बढ़िया, जा बेटे आशीर्वाद है। देखा यू करेगा काम,
बड़े की बात है, इस साले की शक्ल वीर बननी जैसी, लंबे लंबे बाल है, मैं तो देख लूं, है? तब इतने कुछ पढ़ो, थोड़ा बहुत तुम्हें याद कर लो, मैं जा रहा हूं। ओहो मैडम किधर, क्या बात है? मां बहन ना थारे घर में सूर बना दूं तेरा, यहां से गाड़ी में खड़ा ना देख जाइए मुझे, कुत्ता बना दूं तेरा। मैं भी पक्के गुरु का चिल्ला हूं, मुझे ना अति शर्म। मां बहन ना फिर गुरुजी 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 गुरु को गुरुजी 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 ऊपर वाला है, मैं किसी का गुरु नहीं हूं गुरुजी। हटो हटो बेटा हटो, मैं अंधा हूं, हटो वे ना, हटो हटो क्यों रे। ओए क्या चल रहे, ले आशीर्वाद ले ले साले, निकरा मैं करके ले, मैं नाम रोशन करूंगा गुरु का। अरे रह गया गुरु, खड़ा हो जा बैठ जा, ससुरा छीत क्या चला आया वहां, बैठ जा आराम से बैठ, दूध और हल्दी पी लिए शाम को। हाँ तेरा ससुरा सब फेल है, सब फेल प्रोग्राम फेल सब यार। मैं दिमाग लगा हूं क्या करना चाहिए, मैं अब कौन जागा, किसी ने कुछ नहीं सीखा क्या? गुरुजी गुरुजी इबके आप जाओ, मेरी सुसरी का मुझे फसवाता दिखे। हाँ अब हाँ जाएंगे हम, आप करके दिखाओ जी। हम कर देंगे, इबके जान थेली पे आप धर लो। हाँ हम धर लेंगे, हाँ हम चलेंगे, क्या बात क्यों ठीक है, हम दिखाऊंगे लोंडिया कैसे पड़ती है, और हम दिखा देंगे कैसा होता है ये काम। है बेटे बहुत दिमाग चाहिए इसमें, बहुत दिमाग दिमाग होता है इसमें, कभी भी लड़की के सामने खाली बात नहीं करनी चाहिए। अब सुनो एक तरीका और है, ये मैंने पार्ट नहीं पढ़ाया, आज पढ़ा देता हूँ लास्ट बार, क्योंकि जब मैं ही जा रहा हूँ तो ये तो एक्सपेरिमेंट मैं ही करूँगा ना। क्यों इसमें क्या होता है कि फोन ले लो एक बढ़िया वाला, और उसके सामने हल्की बात, अरे भाई तू मेरी ओडी ले गया था, और वो यार वो चार दिन हो लिया तुझे, और उसकी चाबी यार नहीं मिल रही है, मस्टीज की मस्टीज की चाबी फ्रिज के अंदर धरी है, फ्रिज है सोफे के ऊपर जो हरी अलमारी है उसमें तीन खाने, एक में सोना चांदी भर रहा, और एक में ये है ऊपर वाली में बहुत सारे नोट भी हैं, उन्हें मत खोलना, ना 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 उसके ऊपर फिर जेवर धरे उसे भी मत खोलना, वो मेरी माँ के हैं, और उससे ऊपर जो छोटी सी अलमारी है उस पर चाबी रखी मस्टीज की, उसे ले आओ, ऐसा होना चाहिए, ऐसी समझ गया ना बात, चलो तुम्हें कुछ नहीं पता। तेरी माँ की गुरुजी गाली दे रहा। गुरुजी पहले मेरी बात तो सुन लो, इसकी माँ की सूरत मेरी माँ से मिले। अरे यार हम सोचे गाली दे रहा, नहीं नो कह रहा इसकी माँ की सूरत तेरी माँ से मिले, मुझे नहीं पता था गुरुजी। इधर जा, तो ठीक है कभी भी किसी लड़की के सामने हल्की बात नहीं करनी चाहिए, ताकि उसे ये पता लगना चाहिए कि यू करोड़ों को आदमी है, फोन पे ऐसी बात करनी चाहिए जैसे कि मैंने बताया। ठीक है अब एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ लड़की कैसे पढ़ती है, एक दो तीन चार पांच मेरे पीछे आइए, कैसे पढ़ती है लड़की हम बताओगे। आओ आ जाओ आ जाओ। अरे कोई फंसी ना रही। हेलो हाँ जी हाँ जी। अरे यार तू कल मेरी यार मर्सिडीज लेगा। अरे मैं कह रहा हूँ यार मेरे पास 40 गाड़ी है यार, हाँ वो मेरी सबसे प्यारी है, हाँ अभी वो एक आधी परसों मेरा हेलीकॉप्टर लेगा, और वो भी ना बगैर धोए खड़ा करके यार। अरे पैसा बहुत तुम्हारे, पैसे कमी थोड़ी ना है, पैसे तुम्हारे बकरी खा रही है। हाँ हाँ यार यू का बात है भैया, किसी गाड़ी ले जा करो तो छोड़ दे, अब कहाँ जाना तुझे, तो एक काम कर ले अपना गाड़ी मैंने कल थार ली है, एक नई हमारे नौकर चला में ज्यादा से, तो उसे ले जा भाई। हाँ और तो हम तो उसे चलाते नहीं भाई, हाँ चाबी वहीं मिलेगी, घरों जाके बात करवा दियो, नहीं तो एक काम कर अलमारी की चाबी मिलेगी, और जो अलमारी एक सोफा पड़ा, सोफे के ऊपर अलमारी है, अलमारी के जो ऊपर है ना ऊपर केक खाना बन रहा, उसमें तो नोट पे गड्डी धरी, और एक चांदी के वो एक तो जब भी और चांदी के बर्तन में उसमें हमारे वे भर रही है जेवर पेपर से, उसे हाथ मत लगा दिए सारे, हाँ तोड़ के धर रखे मेरी माँ के,
अरे काम और कर लिए, उससे ऊपर जो है उसमें जो सोना और सोने में के भीतर चाबी धरी है वो तो काट ले जा, जा और कल दे दिया दादा मारूंगा बहुत। चलो चलो ठीक है ले जा बेटे, ठीक है। तो मैडम क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं दुआ दुआ क्या? अच्छा मैडम एक काम करो, आप मेरे से शादी करोगे? क्यों नहीं, मैं अपने भाई को बुला लूं। हाँ ये जरूरी है, बड़ा आदमी होना चाहिए बात करने के लिए, बुलाओ बुलाओ। यस पापा जी, एक लड़का मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा है। हाँ आप कितनी देर में आ रहे हो? ओके आ जाओ। अच्छा फूल माला? हाँ फूल माला भी ले आना। आ जाओ। हाँ फूल भी ले आओ। कितनी देर में आ रहे हो? अच्छा अच्छा हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। बड़ी बात कौन से थे भैया, क्या फता गई हो? की खाल तारती। राम राम, कहाँ घूम का है? बस घूम के कहीं ना है, मैं तो ऐसे बड़े मानस भी देखता है नहीं, रेलवे स्टेशन की डब्बू देखूं। तुम बताओ तुम क्यों कर घूम रहे? अजी क्या एक इसे लोन जाओ छेड़ रहा था। अच्छा जबरदस्ती दबाव बना रहा था, शादी कर फलाना कर, इसने फोन करा मुझे। ठीक करा और उसे धुन का है? उसी खाल तार दी हमने तो कर दिया लंबा। हाँ खूब खूब खींच देते बता देते खूब। ठीक करा। ठीक है तो देखो तुम भी। हाँ बस देखो नहीं रेलवे स्टेशन की डब्बी तो। हाँ बता दियो। अच्छा पता नहीं कहाँ मिलागा साहब, ये दारू पीने वालों का भी कोई टेम ही नहीं, तड़की तड़क लगा के बैठ जा। बापू आ गया के तू? अरे बापू मैं हनी हूँ, हनी मैं दारू ना पी रखती है। हनी तू बड़ा आदमी। अरे बापू मैं हूँ हनी, मुझे चोट लग रही है घनी। हनी है पिछड़ नहीं रहा यार। हां हैं बहुत केड़ा काम हो गया भाई। के केड़ा हो गया? केड़ा होगा पिटका में। मैंने की 1 किलो अंडा छेड़ दी, मुझे नहीं पता इतना बुरा अंजाम होगा। नाश्ता दिया मेरा, बहुत मारा पटक पटक के मारा मैं। अच्छा ये मुंह नहीं लिया तेरे मट्टी में? होगा मट्टी में रख लिया मैं तो। अच्छा तू तो बड़ा मानस कहता बनूंगा। मैं बड़ा बनूंगा फिर बनूंगा मैं, टक्कर लूंगा। ले ली तो टक्कर, दिमाग ठीक हो गया तो घर की डबको हो ले। नशे में तो ना जो उनकी गैल तू भिड़ान है उसकी गैल ही होना तो तेरा ब्याह। मैं बता रहा खुल गया जिन जिन्होंने मैं पिटा उससे मेरा रिश्ता हो रहा। हाँ बापू चल बात करेंगे। बात करेंगे पहले डॉक्टर के। चल फिर आइए भाई बेकार है। चलो चल घर चल, बड़ा मानस बना था मास्टरी का स्कूल खोल रहा। जी तो सकरे तेरे जी काट दियो गुरु मर जब जा। गुरु ये मारूंगा सालों को मैं। हाँ मार, ये तो ही मार दिया। क्या होगा बताना? क्या भैया हम जाए हम जा इसी पार्ट में पूछ लेगा, अगले पार्ट में पूछ लिया तू भी पूछ जाएगा कुछ पूछ ले। पर छोड़ वो थिएटर बंद कर दिए कली, ध्यान रखे। ओके गुरु जी बस समझा समझा हनी समझा। सारा सामान बंद कर दे आज से स्कूल बंद। गुरु क्यों
भाई एक काम कर लियो जिंदगी में, किसी की लड़की ना छेड़ियो, बहुत कच्चा काम है। तुम गुड़ बेच लो या भूस बेच लो, कुछ भी कर लो, पर ये काम मत करियो बिल्कुल भी। सबकी दही टूटी पड़ी है, बेकार काम है ये। एक बात और, अगर हम किसी पर बुरी नजर रखेंगे तो कोई हमारी पे रखेगा। बात अपने पर सोचनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।